Assalamualaikum नाजरीन, मैं मरियम फातिमा, रियल स्पीड न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की 10 अहम खबरें। मस्जिद हराम में ज़ायरीन के लिए 51 दरवाजे मुख्तस। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने कहा है कि मस्जिद हराम में नमाजियों को आमद रफ़्त की सहूलत फराहम करने के लिए 51 दरवाजे मुख्तस किए गए हैं। हर दरवाजे पर निगरान तैनात होते हैं जो ज़ायरीन को मस्जिद हराम में खाने पीने के अलावा दीगर आलात ले जाने से रोकते हैं। अरब इतिहाद के हमले जारी, हौसियों के ब्लास्टिक मिसाइल ज़खीरे को निशाना बनाया गया। अरब इतिहाद ने कहा है कि इसने यमन के दारुल हुकूमत पर फिजाई हमले किए हैं। इनके मुताबिक फिजाई हमलों में ब्लास्टिक मिसाइल्स के ज़खीरे को निशाना बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड से मरने वालों के अहल खाना को अदा किए गए मुआवजे का डेटा तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकज़ से कहा कि वो रियासतों से कोविड-19 से मुतासरीन के ख़ानदानों को 50,000 रुपये के मुआवजे की तकसीम पर पेश रफ्त के बारे में मालूम इकट्ठा करें। इस पर एक जारी करदा नोटिफिकेशन में गुजरात हुकूमत की खिंचाई भी की गई। अभिनंदन वर्धमान को मिला वीर चक्र। बालाकोट एयर स्ट्राइक के हीरो वो अभिनंदन वर्धमान वीर चक्र से नवाजे गए। इन्होंने पाकिस्तान के F-16 जंगी तैयारी को मार गिराया था। इस फिजाई हमले में कई दहशतगर्द मारे गए थे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन का कश्मीर दौरा। कहा दफ़ा 370 हटाए जाने के बाद मुआशी तरक्की तेज़। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन इन दिनों जम्मू और कश्मीर के दौरे पर हैं। इन्होंने इनकम टैक्स दफ्तर और मुलाजमीन के लिए रिहायशी कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने जम्मू और कश्मीर में बुनियादी ढांचा मुस्तहकम करने में बहुत काम किया था, लेकिन दफ़ा 370 हटाए जाने के बाद तरक्याती काम तेज़ी से हो रहे हैं और इसके चलते मुआशी तौर पर आवाम की हालत बेहतर हुई है। ज़रा खवानीन की तरह CAA क़ानून को भी मनसूख किया जाए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कौमी सदर प्रोफेसर खादर मुहीउद्दीन ने अपने जारी करदा अखबारी बयान में मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि ज़रा खवानीन की तरह CAA शहरियत तरमीमी क़ानून को भी मनसूख किया जाना चाहिए। वाज़ेह है कि मरकजी BJP हुकूमत ने इन तीनों ज़रा खवानीन को वापस लेने का फ़ैसला किया है। BJP ने अवैसी पर साधा निशाना और कहा अवैसी पाकिस्तान से दरअंदाजी करने वाले अपने करीबी लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। BJP के अखिलती मोर्चे के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी ने बताया कि हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी CAA और NRC के निफासी मुखालिफत करते हुए गैरकानूनी तौर पर दरअंदाजी करने वाले पाकिस्तानियों की मदद कर रहे हैं। तेल की सरबराही के लिए अब हिंदुस्तान और जापान मिलकर काम करेंगे। तेल के ज़खायरे को बढ़ाने के लिए और उनकी कमी को मुकम्मल करने के गरज से हिंदुस्तानी और जापानी हुकाम दीगर बड़ी मईशतों के साथ मिलकर एक मनसूबाबंदी के तहत काम करेंगे। एक अनोखा वाकया मध्य प्रदेश से सामने आया है। शौहर ने अपनी बीवी के लिए ताजमहल जैसा घर बनाया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने अपनी अहलिया को तोहफे के तौर पर एक लग्जरी ताजमहल का घर तामीर किया। जिस तरह से शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ से मोहब्बत की अलामत के तौर पर मशहूर यादगार तामीर किया था। तेलंगाना इंटर के तलबा के लिए एक खुशखबरी। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने साल अव्वल और साल दुवम के तलबा के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। जारिया साल भी निसाब में 30% कमी का ऐलान किया गया है। बताया गया है कि इंटर साल अव्वल और साल दुवम के तलबा का इम्तहान 70% निसाब पर ही मुश्तमिल होगा। तो ये थी नाज़रीन आज की 10 अहम खबरें। ऐसे ही अहम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।